दोस्तों मल्टी स्टारर फिल्म टोटल धमाल 22 फरवरी को रिलीज हो गई है। फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है और ये धमाल फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। फिल्म में अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, जावेद जाफरी, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जॉनी लीवर जैसे सितारे हैं। फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। सोशल मीडिया पर मूवी को खूब पसंद किया जा रहा है। दोस्तों एक यूजर ने कहा कि टोटल धमाल बड़ी एंटरटेनर फिल्म है, तो वहीं एक यूजर ने फिल्म को टोटल पैसा वसूल फिल्म बताया है। जॉनी लीवर और जावेद जाफरी की एक्टिंग को भी काफी पसंद किया जा रहा है। दोस्तों लोगों का कहना है कि फिल्म बहुत जबरदस्त एंटरटेनर और फनी है। फिल्म को ब्लॉकबस्टर, हिट, हंसी का पिटारा, करो टेंशन का दी एंड, देखो टोटल धमाल और सिंपली गुड जैसे कमेंट्स मिल रहे हैं। बता दें कि फिल्म का बजट तकरीबन 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पहले दिन यह फिल्म तकरीबन 15 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। इसका प्रोडक्शन इंद्र कुमार और अशोक टकेरिया कर रहे हैं। इस फिल्म में अजय देवगन और अनिल कपूर पहली बार साथ में नजर आ रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को खूब पसंद किया गया और लोगों ने काफी सराहना भी की थी। दोस्तों वहीं अगर टोटल धमाल फिल्म की कहानी की बात करें तो टोटल धमाल में इस बार भी भरपूर कॉमेडी है। हर धमाल सीरीज में पैसों को लेकर भागम भाग होती है और इस बार भी ऐसा ही है। 50 करोड़ की रकम के लिए अफरा तफरी मची हुई है और पैसे की इस भागम भाग में सभी की लाइफ क्रेजी एडवेंचर राइड से गुजरती है। दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके बताओ कि अजय देवगन की टोटल धमाल फिल्म हिट होगी या फिर नहीं। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दें।